दरभंगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन के राजद उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना पर्चा दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि अगर वह दरभंगा से सांसद बनकर दिल्ली पहुंचते हैं तो उनकी सबसे पहली प्राथमिकता मिथिला की गीत संगीत खान पान कल्चर संस्कृति और भाषा की मिठास के उत्थान को लेकर के मिथिला विकास बोर्ड गठन किए जाने की मांग को लेकर सांसद में आवाज उठाएंगे। वहीं सिद्दीकी ने बताया कि देश आज खतरनाक दौर से गुजर रहा है। देश में अफरा तफरी का माहौल है। हिंदुस्तान में अपना संविधान है जिसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ताना शाह जो है मात खाए है पहले भी, और ताना शाह सबसे बड़े जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ के जो आज़ादी दिलाई और अपना संविधान बना, उसको तोड़ने मरोड़ने की साजिश की जा रही है। और आज़ादी के अगुआ नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे। तो इस देश का तो सबसे पहला और बड़ा आतंकवादी नाथूराम गोडसे है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से आप ये कहलवा लीजिए कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, वो नारा नहीं लगाते। फिर जो भारतीय जनता पार्टी से हमारा मुकाबला है, इस वजह से हमारा किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, हमारा विचार से लड़ाई है। और हम अपनी निष्ठा और ईमान के बदौलत गठबंधन के उम्मीदवार हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मिथिला की संस्कृति है, जो मिथिला की सभ्यता है, जो मिथिला का रहन सहन है, वो अमन चैन का है, भाईचारे का है, राग का, द्वेष का, घृणा का, नफरत का, उन्माद का नहीं है। तो इस बार के चुनाव में दरभंगा में घृणा, नफरत, द्वेष और उन्माद प्रास्त होगा। इस वजह से प्रास्त होगा कि यहाँ की संस्कृति में कोई जगह नहीं रखता है। दरभंगा के किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे, अगर दरभंगा की बात की जाए इस पार्लियामेंट हल्के? नहीं, आपको मैंने तो अभी ये मुद्दा बताया, देश की मुद्दा। दरभंगा की अपनी संस्कृति और सभ्यता है। मैं कहूँगा, और हम लोगों ने कोशिश की, हमारे जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने सर्वे कराया था मुजफ्फरपुर से दरभंगा रेल खंड का निर्माण का, वो खटाई में चला गया। फिर उन्होंने सर्वे कराया था मुक्तापुर से ये होते हुए अली नगर बिरौल होते हुए तारडी मनीगाछी होते हुए मैं नेपाल के बॉर्डर तक, वो समाप्त हो गया। अब जो है ये जो चीनी मिले हैं, तब तो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी इंजन वहाँ भी इंजन। तब रैयाम चीनी मिल क्यों बंद पड़ा हुआ है, लोहट चीनी मिल क्यों बंद पड़ा हुआ है, से फिर आपको सकरी चीनी मिल क्यों बंद पड़ा हुआ है, अशोक पेपर मिल की क्यों दुर्दशा है। तो अब इन चीजों को पुनर्जीवित करने का जो मौका इनको मिला था, वो ये नहीं कर सके, जिससे यहाँ के लोग की हालत अच्छी नहीं है। तो हमारी सरकार बनेगी तो इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। और दूसरा, मिथिला की संस्कृति, सभ्यता, संगीत, गीत और जो सामाजिक वातावरण है, मिठास, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। मैं अगर जीत के गया तो मैं मांग करूंगा संसद में कि मिथिला डेवलपमेंट में, हाँ, मिथिला विकास बोर्ड का गठन किया जाए। उसमें जो हमारी विरासत है, जो हमारी संगीत है, जो हमारी बोली है, जो हमारी मिठास है, उसको देश के अन्य राज्यों में भी इसको फैलाया जाए। वही अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि मिथिला हमेशा अपनी संस्कृति, सभ्यता, आपसी भाईचारे के लिए जानी जाती है। मुझे निष्ठा और ईमानदारी के वजह से उम्मीदवार बनाया गया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, रैयाम, लोहट, सकरी चीनी मिल,
अशोक पेपर मिल आदि को चालू कर देना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। अगर वह सांसद बने तो उनकी प्राथमिकताओं में से यह भी एक बड़ी प्राथमिकता होगी।